इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। एमपी में पुलिस प्रशासन एवं हिंदू संगठन एक बार फिर बेनकाब, नहीं थम रही है गौवंश की अवैध तस्करी। एमपी के खरगोन जिले के भगवानपुरा तहसील एवं बिस्टान थाना क्षेत्र में ट्रकों एवं पिकअप वाहनों से हो रही है गौवंश की तस्करी। बीती रात करीब 10 बजे से 1 बजे के बीच अवैध रूप से ले जाते हैं वाहन गौवंश राजस्थान से भरकर एमपी के खरगोन से गुजरकर महाराष्ट्र तक पहुंच रहा है। आपको एक बार फिर बता दें कि राजस्थान से लेकर एमपी तक एवं महाराष्ट्र तक कितनी चौकियां, कितने थाने और न जाने कितने चेक पोस्ट लगते हैं। हजारों किलोमीटर दूर महाराष्ट्र जा रहा गौवंश और प्रतिदिन हजारों गौ माताओं का कत्लेआम हो रहा है तथा गौ तस्करों को किसी भी बात का डर नहीं है, न प्रशासन का न सरकार का। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि पूरे एमपी के जिले जिले में पुलिस बल तैनात रहता है एवं पूरे भारत में हिंदू संगठनों की समितियां बनाई गई हैं, आखिर कहां देश का बल कहे जाने वाला बजरंग दल कहां है, संघ के लोग और कहां है गौ माता की रक्षा करने वाले गौरक्षक। सब बड़े बड़े अधिकारी सिर्फ बड़े बड़े पद लेकर बैठे हैं, उसके बावजूद भी गौवंश की अवैध रूप से तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इंडियन टीवी न्यूज से दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।